तो दोस्तों ये है मोरंग गांव का स्कूल, जो कि काफ़ी बड़ा है गांव के हिसाब से। और ये बादल जो दिखाई दे रहे हैं आपको आसमान छूते हुए, वो काफ़ी शानदार। और यहाँ सेब के बगीचे और चूली के पेड़। पहले तो मैं आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका इस ब्लॉग पे। आज हम हैं हिमाचल के मोरंग गांव में, जो कि प्रकृति की इन खूबसूरत वादियों में बसा है। इस गांव के कुछ सिनेमैटिक व्यू हम आपको दिखाएंगे, साथ ही जो हमारे मेरे साथ जो टीम है उनका मैं वॉलीबॉल मैच आपको दिखाऊंगा गांव वालों के साथ। और सबसे बड़ी बात, जून के महीने में भी यहाँ बर्फ़ पड़ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखो सामने ऊपर इन पहाड़ों में जून के महीने में भी बर्फ़ पड़ रही है। यहाँ है मोरंग गांव। ये मोरंग गांव का खूबसूरत सा नज़ारा, ये गांव मोरंग गांव, देखो ये भी मोरंग गांव है। और ये वादियाँ हैं हिमाचल की, आसमान बादल से घिरा हुआ है। और ये है मोरंग गांव का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और ये यहाँ खेला जा रहा है वॉलीबॉल मैच। और यहाँ पे हमारे केएल राहुल सर जो बॉडी बना रहे हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इनकी तरफ, देखिए इनको, ये पूरी मेहनत कर रहे हैं बॉडी बनाने में। इनको पूरा भारत घूम लिए और यहाँ इनको टाइम मिला बॉडी बनाने का मोरंग गांव में। और ये कुछ देर आपको इस मैच का आनंद दिया जाएगा। उस तरफ जो है मोरंग गांव की टीम है और इस तरफ हमारी टीम है, हमारा एक सदस्य उनकी टीम से खेल रहा है, हमारे बंदे हैं ज़्यादा हैं। ये रावत सर की टीम है और इसका प्रदर्शन काफ़ी भयंकर है। इस शानदार से मौसम में इस मैच का लुत्फ़ लीजिए, क्योंकि शायद जून के टाइम पे ऐसा मौसम देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ पहाड़ों में ही आपको ये जो बादल देखने को मिलेंगे और ये जो मौसम है ये देखने को मिलेगा। आपको पता ही है आजकल कितनी भयंकर सी गर्मी होती है प्लेन वाले इलाकों में, तो ये व्यू लेने के लिए आपने पहाड़ पहाड़ों की वादियों में ही आना पड़ेगा। खासकर ये जो बर्फ़ पड़ने वाला अभी का सीन है, ये दुर्लभ सा होता है गर्मियों में। गर्मियों में बर्फ़ बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन जो बिल्कुल ऊंची चोटियां हैं पहाड़ों की, वहाँ पे अभी भी बर्फ़ पड़ रही है। और टीम काफ़ी जोश में नज़र, इस वाली टीम का जोश काफ़ी कम है। हाँ, इस टीम का कॉम्बिनेशन उतना सही नहीं लग रहा मुझे हमारी टीम का। फिर भी टीम पूरा जोर लगाए हुए है। ये देखो ये सबसे खराब प्लेयर है बद्री सर इस टीम के खिलाड़ी ज्यादा हो गए, तो आठ आठ नौ नौ प्लेयर एक टीम से खेल रहे हैं। हरी सर टीम को ब्रीफ करते हुए, इस टीम के कमांडर हैं हमारे हरीश रावत सर, जो कि गढ़वाल से हैं। बहुत खराब प्रदर्शन तुम्हारा। दर्शक फिलहाल एक ही हैं यहाँ पे, राहुल सर ही हैं दर्शक पूरे मैच में। ये कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन इतनी दूर है कि आवाज़ नहीं आ पाएगी अभी फिलहाल। तो अब हम आपको ले चलते हैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो की तरफ। आप जो एरियल व्यू है उसको बंद करते हैं और ग्राउंड जीरो की तरफ हम आपको ले चलते हैं। तो दोस्तों ये है मोरंग गांव का स्कूल,
जो कि काफ़ी बड़ा है गांव के हिसाब से। और ये बादल जो दिखाई दे रहे हैं आपको आसमान छूते हुए, वो काफ़ी शानदार। और यहाँ सेब के बगीचे और चूली के पेड़। ये मोरंग गांव, ये एक गांव नीचे है, नीचे शायद कुछ बन भी रहा है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके, गुम्फा टाइप की कुछ बन रही है शायद इस जगह। बिल्कुल मिट्टी सा कलर है, साफ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। और नीचे सतलुज नदी, ये नज़ारा ऐसा है बिल्कुल देखने में काफ़ी शानदार। और अब हमारे साथ यहाँ पे आए हैं कुछ टूरिस्ट जो कि देश के विभिन्न स्थानों से यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम उनसे पूछेंगे कि उनको यहाँ कैसा लगा, वो अपनी गर्मियाँ कैसे यहाँ व्यतीत करने आए हैं। अब हम मिलाते हैं आपको KL राहुल सर से। ये क्रिकेटर नहीं है, बताओ सर आपको यहाँ कैसा लगा, मतलब यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का मौसम और जून के महीने में यहाँ बर्फ़ पड़ रही है देखो, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? पहले तो मैं आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। यहाँ का मौसम और यहाँ की क्लाइमेट अलग ही है, अलग देश में आने का फीलिंग। गर्मियों में कुछ एहसास मिल रहा है, यहाँ की ठंडक मिल रही है। ओहो, यहाँ तो डीप फ्रीजर जैसा मौसम है, यहाँ डीप फ्रीजर जैसा एक अनुभव लेना हो तो यहाँ आना चाहिए। और आप कहाँ से आए, आपकी टीम कहाँ से आई है? हम महाराष्ट्र के हैं और हमारी टीम यहाँ से पठानकोट से आ रखी है। हम यहाँ विजिट करने के लिए आ रखे हैं और घूमने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ गुफा बन रखी है, वो पांडवों ने बना रखी हो, अभी उसको स्टेबल करने का काम कर रहे हैं क्योंकि वो भी एक टूरिस्ट पॉइंट था, पर अभी वो स्टेबल नहीं है। यहाँ के मकान भी अलग ही आपको दिखाई देंगे, इनका एक कुछ अलग ही बनावट है। और आप देख सकते हैं हल्की हल्की बर्फ गिर रही है ऊपर, और सेब अभी तैयार होने के सीजन में है, अभी वो है। और मौसम के हिसाब से टूरिस्ट जो आएंगे उनको क्या लाना चाहिए? मौसम के हिसाब से टूरिस्ट आएंगे उनको सारा मिल जाएगा, अपनी जैकेट जुकेट लाना है, ठंडा बहुत है। और वैसे होम स्टे लॉजिंग बहुत, मतलब सेफ है, यहाँ की कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, लूटपाट है ही नहीं यहाँ। आप यहाँ सामान छोड़ के गए और कल भी आएंगे तो यही सामान मिल जाएगा आपको, इसलिए टूरिस्ट को बढ़िया है ये जगह घूमने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा राहुल सर का क्या विचार था, काफ़ी अच्छा लगा इनको। और एक हमारे बंगाल से एक टूरिस्ट आए थे, वो उनको क्या हुआ, ठंडा ज़्यादा लग गया है, नहीं तो हम उनसे भी आपकी वार्तालाप कराते, आपसे उनकी मुलाकात कराते, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा ठंडा लग गया है, इस वजह से वो अभी आ नहीं पाए। क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ठंडा है कि जो कोई भी घूमने अगर यहाँ आएगा गर्मियों में तो उसको लगेगा यार कि मैं तो टी शर्ट में काम चला लूँगा, लेकिन टी शर्ट तो छोड़ो, आप जैकेट में भी यहाँ काम चलना मुश्किल है। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको हम पूरा हिमाचल दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।